25 अगस्त को पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन फैसले से पहले ही प्रदेश में डेरा सच्चा सौदा के लाखों अनुयायी एकजुट होने लगे हैं। प्रदेश में हालात बिगड़ने की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। सिरसा से लेकर पंचकुला तक पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, तो वहीं प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज की ये जो मीटिंग हमने रखी है, जो 25 तारीख को सच्चा सौदा डेरा के बाबा राम रहीम का केस का जो सीबीआई कोर्ट को डिसीजन देना है, उसको देखते हुए हमारे पुलिस और प्रशासन के क्या अरेंजमेंट है, उसकी ये हमने रिव्यू मीटिंग की है। और इसमें हम लोगों ने पूरा पुलिस को क्या करना है, प्रशासन को क्या करना है, किस तरह के एहतियात अरेंजमेंट करने हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, अपने अरेंजमेंट किए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा कंट्रोल में रहे, लोगों में भय ना हो और किसी तरह का इस इलाके में कोई अप्रिय घटना न घटे, उस सबको कंट्रोल करने के बारे में बात की है। उधर किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र से अर्धसैनिक बल मांगा गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की 35 कंपनियां बकायदा प्रदेश में तैनात की जा चुकी हैं, जबकि डीजीपी की तरफ से 115 कंपनियां मांगी गई हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने एहतियातन वो सारे कदम उठाने की कोशिश की है, जिससे प्रदेश का माहौल और भाईचारा खराब ना हो पाए। इसी का नतीजा है कि सरकार की तरफ से कुछ खास कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में शांति, भाईचारा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में धारा 144 लागू की गई है। डेरा के नाम चर्चा घरों में भी लाठी डंडों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित क्रिकेट स्टेडियम को 25 अगस्त के लिए अस्थायी जेल बनाया गया है। वहीं पंचकुला कोर्ट के वकीलों ने 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक वर्क सस्पेंड रखने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और होमगार्ड्स को ड्यूटी पर बुलाया गया है। राज्य की सभी सीमाओं को भी सील कर दिया गया है और आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी डेरा प्रमुख पर आने वाले फैसले को देखते हुए हर जिले में डेरा अनुयायियों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा लोगों तक ये बात भी पहुंचाई जा रही है कि वो 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक चंडीगढ़ और पंचकुला आने से परहेज करें। खास तौर पर बच्चे, लड़कियां और महिलाओं से इन 3 दिनों के लिए अपने प्रोग्राम पोस्टपोन करने की सलाह दी जा रही है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम, उनका जो केस है वो सीबीआई कोर्ट के अंदर उसकी 25 तारीख को उनको फैसला सुनाना है, ऐसा कोर्ट के आदेश है। और उस निर्णय में जो भी निर्णय आएगा उसके नाते से किसी भी प्रकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको संभालना हमारा काम है और उसके लिए सारी व्यवस्थाएँ हमने बना ली हैं, चाहे वो सिरसा की व्यवस्थाएँ अथवा
पंचकुला की हैं या उनको ट्रैवल करके यहाँ आना होगा, तो इन बिटवीन रास्ते की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो हमने सब पूरी कर ली हैं। किसी प्रकार की कोई भी लॉ एंड की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं, चाहे डेरा के अनुयायी हैं या बाकी समाज के लोग हैं, कि एक प्रकार से शांति बनाए रखें, व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि ये कोर्ट का जो फैसला है वो सबके लिए मान्य होगा। इस नाते से ये व्यवस्था सबको बना के रखनी होगी, ऐसी मेरी अपील है। क्या सर डेरा से संपर्क साधा गया, आपकी तरफ से कोई पहल होगी कि उसे बातचीत की जाए कि ऐसी कोई तनावपूर्ण स्थिति ना बने? नहीं नहीं, कोई हमने संपर्क साधा ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वो उनको उन्होंने संदेश भी दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के लिए शांति की अपील वो भी करें और किसी प्रकार की बात ना करें। ऐसा एक प्रकार से उन्होंने भी कहा कि मैं उपस्थिति अपनी कराऊंगा पंचकुला में, इसलिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर यौन उत्पीड़न के आरोपों पर 25 अगस्त को पंचकुला की स्पेशल CBI कोर्ट फैसला सुनाएगी, लेकिन इससे पहले ही डेरा समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। ऐसे में सब कुछ शांति से निपटाने की चुनौती जहां पुलिस प्रशासन के सामने खड़ी है, तो वहीं सरकार के लिए भी ये वक्त कुछ कम मुश्किलों से भरा नहीं है। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।